हेलो फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आप अपने कंप्यूटर का रैम को फ्री कर सकते हैं, उसके साथ अपने कंप्यूटर का स्पीड 10 times बेटर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले पहुँचे आप तक। आई कौशिक सर वेलकम यू टू योर फेवरेट चैनल कंप्यूटर गुरु। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा कंप्यूटर का जो रैम होता है उसमें कितना पार्ट यूज होता है, कौन कौन काम के लिए वो यूज होता है, चलिए मैं पहले आपको उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद हम जानेंगे रैम के कौन सा पार्ट को हम क्लियर कर सकते हैं और कितना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। आप कंप्यूटर में प्रेस कीजिए विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करने के बाद आप यहां पे टाइप कीजिए msconfig, फिर एंटर को प्रेस कीजिए। जब आप एंटर को प्रेस करेंगे इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहां पे स्टार्टअप में क्लिक करके ओपन टास्क मैनेजर में क्लिक कीजिए। ओपन टास्क मैनेजर में क्लिक करने के बाद आप यहां पे परफॉर्मेंस में जाइए, उसके बाद ओपन रिसोर्स मॉनिटर, ठीक है, इसमें क्लिक कीजिए। आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये एक तरीका है इस रिसोर्स मॉनिटर को ओपन करने के लिए। इसका दूसरा भी डायरेक्ट कमांड है जिससे कि हम रिसोर्स मॉनिटर को ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे ना, वही कंप्यूटर में विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे टाइप कीजिए resmon, ये शॉर्टकट है। तो वो टाइप करने के बाद आप एंटर को प्रेस कीजिए, तो आपका रिसोर्स मॉनिटर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो आप किसी भी एक तरीका को अपना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ओवरव्यू, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क, इतना ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे थे मेमोरी की, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में जितना भी रैम इंस्टॉल हुआ है उसका कितना पार्ट किस लिए यूज हो रहा है, आप यहाँ पे मेमोरी पे डिटेल में पा जाएंगे। देखिए मेमोरी में क्लिक करने के बाद नीचे दिखा रहा है फिजिकल मेमोरी, यहाँ पे हार्डवेयर रिजर्व 114 MB, इन यूज 3248 MB, मॉडिफाइड 180 MB, स्टैंड बाय 1466 MB और फ्री 3179 MB, ठीक है। ये हर वक्त थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो ये किस लिए यूज हो रहा है मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हार्डवेयर रिजर्व, ये हार्डवेयर के लिए यूज हुआ है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, हार्डवेयर रिजर्व। फिर यहाँ पे इन यूज जो है मतलब हम अभी जो करेंटली जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए इतना यूज हो रहा है इन यूज, ठीक है। फिर मॉडिफाइड में क्या हुआ ना, हम जो प्रोग्राम रेगुलरली यूज करते हैं उसके बाद सोचिए मैं कुछ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव को, पेन ड्राइव से कंप्यूटर को, इस तरह का कुछ कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो बीच में ही टर्मिनेट हो गया, ठीक है, बीच में ही उसको बंद करना पड़ा किसी वजह से, तो वो जो है मॉडिफाइड में सेव हो जाता है। मतलब नेक्स्ट टाइम हम जब उसी को रिज्यूम करेंगे तो वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है, जहाँ पे हम स्टॉप किए थे और जहाँ पे टर्मिनेट किए थे वहीं से वो और एक बार कंटिन्यू करेगा। फिर स्टैंड बाय मतलब जो कि हम रेगुलरली जो प्रोग्राम यूज करते हैं क्या होता है ना, उसका बैच फाइल स्टैंड बाय में सेव हो जाता है, जिसके लिए जिसकी हेल्प से हम जब नेक्स्ट टाइम उस प्रोग्राम को यूज करते हैं तो वो
जल्द ही ओपन हो जाता है। नहीं तो आप देखिएगा, जब कोई नया सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन बच जाता है अगर वो स्टैंड बाय में सेव हो जाता है। लेकिन इस तरह का भी कभी कभी आता है प्रॉब्लम कि हम एक प्रोग्राम को काफ़ी दिन से यूज नहीं करते, मतलब रेगुलरली यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो जो उसका बैच फाइल है वो स्टैंड बाय में सेव हो जाता है, तो उसको हमको रिमूव करना है। उसी तरह फ्री स्पेस यहाँ पे है 3186, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो फिजिकल मेमोरी है उसका डिटेल क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसको हम कैसे क्लियर करेंगे, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको क्लियर करने के लिए हमको एक माइक्रोसॉफ्ट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आप अपने कंप्यूटर में एक ब्राउजर को ओपन कीजिए। सो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया, फिर यहाँ पे गूगल को ओपन कर दिया। गूगल ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए राम मैप, ठीक है। राम मैप ये जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है जो कि टोटली फ्री है। इसके लिए हमको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। फिर ये जो लिंक दिखा रहा है पहले में, आप इसी लिंक से इसको डाउनलोड कीजिए। तो मैं इसको यहीं से डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आप उसी के ऊपर क्लिक कीजिए। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो साइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड राम मैप, वो 488 KB का फाइल है। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आप उसको ओपन कीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए, नहीं तो आप इसी के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जो राम मैप दिखा रहा है इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, फिर रन में क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे आप यस में क्लिक कीजिए। जब आप यस में क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं ये सभी विंडो को मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे इन यूज दिखा रहा है 4000 के आसपास, मतलब 4 GB के आसपास। यहाँ पे मॉडिफाइड 153 है, स्टैंड बाई 1515, मतलब 1.5 GB के आसपास है। तो इसको हम क्लियर करेंगे। कैसे क्लियर करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, एम्प्टी में जाइए, फिर स्टैंड बाय जो लिस्ट दिखा रहा है एम्प्टी स्टैंड बाय लिस्ट, आप इसमें क्लिक करें। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं स्टैंड बाय अभी 4 MB का हो गया। उसी तरह मॉडिफाइड को, इन यूज को आप सभी को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्टी में देखिए एम्प्टी वर्किंग सेट, एम्प्टी सिस्टम वर्किंग सेट, एम्प्टी मॉडिफाई पेज लिस्ट, एम्प्टी स्टैंड बाय, एम्प्टी प्रायोरिटी जीरो स्टैंड बाय लिस्ट। तो आप सभी को रिमूव कर सकते हैं इसी तरह, और आपका राम को फ्री कर सकते हैं, जिसके बदौलत आपका सिस्टम का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने सिस्टम को स्पीड अप कर सकते हैं, मतलब उसका जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। सोच रहा हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कुछ क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में इसी तरह का नया नया टॉपिक कंप्यूटर और मोबाइल के ऊपर हर वक्त आता रहता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।